मैंने कहा यहाँ पर कि मैं भीलवाड़ा जिले के कांग्रेस कार्यकर्ता का व्यक्तिगत तौर पर बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जिंदगी जब मैं पहली बार विधानसभा का चुनाव हारा, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष था, उसके बाद हमारे नेतृत्व ने मुझे चुनाव लड़ने का या भीलवाड़ा में अवसर दिया, तब जो प्रेम स्नेह और यहाँ के भीलवाड़ा के कार्यकर्ताओं ने काम किया, जिसके कारण मुझे यहाँ का सांसद बनने का मौका मिला। न ये लोग मुझे जिताते, मैं न सांसद बनता, न भारत सरकार में मंत्री बनता, न अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी जनरल सेक्रेटरी बनता। तो मेरे राजनीतिक जीवन में भीलवाड़ा के कार्यकर्ताओं का बहुत महत्व है, ये मैं हरदम याद रखता हूँ। आज जब मैं पिछली बार चुनाव लड़ा तब मुझे नहीं मालूम था कि मैं यहाँ पर मंत्री बनूंगा। मैंने कहा चुनाव लड़ा, जब मैंने जब तकलीफ देखी थी पानी की, तब मैंने कहा जब तक मैं पानी की व्यवस्था नहीं करूंगा मैं चुनाव लड़ने नहीं आऊंगा। सौभाग्य से भीलवाड़ा के कार्यकर्ताओं के आशीर्वाद से, हमारे नेतृत्व के आशीर्वाद से मुझे भारत सरकार में मंत्री बनने का मौका मिला। और उस समस्या का निदान करने के लिए जो तरीका होता है, योजना बनती है, उसमें स्वीकृति लेनी पड़ती है, फिर फाइनेंशियल स्वीकृति आती है, तब जाके एग्जीक्यूट होता है। उस समय तक जब 5 साल का टेन्योर आया तब स्वीकृति तो हुई थी सारी, पर काम गाँव में लोगों को पानी नहीं पहुंच सका, इसलिए मैं उस समय का चुनाव नहीं लड़ा। अब कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने जिका चुनाव लड़ने का, तो मैं उन लोगों में हूँ जिन लोगों को कांग्रेस पार्टी ने अवसर दिया। एक साधारण घर का व्यक्ति जिसे भारत सरकार में मंत्री बनने का मौका मिला। और मैं हरदम ये याद रखता हूँ कि इस देश के 100 करोड़ से ज्यादा के देश में जब मनमोहन सिंह जी की सरकार बनी तब 20-21 जो सांसद मंत्री बने थे उसमें एक सौभाग्य मुझे भी मिला था। तो मैं हरदम याद रखता हूँ कि मेरी पार्टी, मेरे पार्टी का कार्यकर्ता, मेरे पार्टी का नेतृत्व जिसने एक साधारण घर के बच्चे को 100 करोड़ के देश में उस समय मंत्री बनाया। मैं कभी डिप्टी मिनिस्टर भी था, मैं कभी स्टेट मिनिस्टर भी था, मैं एक बार पहली बार सांसद बना। मेरे पार्टी के नेतृत्व ने जो मुझे भरोसा किया उससे मुझे अवसर मिला कि मैंने जो बात कही थी उसका मैं निदान कर सका। अच्छी बात है, आप उनसे पूछो, योजना हमने बनाई थी मेमो कोच की, स्वीकार कर दी, तो किसने रोका था उसको एग्जीक्यूट नहीं करे? जब योजना आप जो कह रहे हो मैं उसी को पूछ रहा हूँ, मैं योजना हमने उन्हें उस योजना को लागू कर देते हैं ना। वो नई योजना बताया कुछ बीजे 10 साल में लाए, 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार है, वो चीज नई योजना बनी। हम तो एक योजना बनाकर फाउंडेशन कर चुके थे जिसमें पूरे भारत सरकार के मंत्री आए थे और उस योजना को भी लागू नहीं कर सके, तो हमें क्या पूछे? उनके ऊपर ऑनर्स लाई करता है, हमारे पास नहीं है ना, तो वो योजना बनाते हैं ना जो योजना होती है उसको लागू करते हैं, उल्टा जनता को जो समस्या उनका निराकरण करने का काम नहीं करते। कितने आदमी को मालूम है कि सबसे ज्यादा पोटेंशियल यहाँ पर आयरन का यहाँ पर है, हमने यहाँ पर सर्वे करवाया और यहाँ पर अच्छा कारखाना लग सके स्टील का, हमने गुलाबपुरा में ऑफिस भी खुलवा दिया गया था, 10 साल में किसने रोका था? क्या जरूरत नहीं बनती कि इस इलाके के नौजवान पीढ़ी के लोगों के लिए यहाँ पर स्टील का कारखाना लगता, लोगों को रोजगार के अवसर मिलते? ये किसने रोका था? न तो आपने योजना बनाई और ना आप दे रहे हो बात, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो कौन सी योजना बना रहे हैं। वो कहते हैं योजना बताया ना मुझे कोई, हमने दोनों एग्जाम्पल दिए पानी का, योजना बने एग्जीक्यूट किया, हमने बाइडेन के लिए बताया पोटेंशियल उसमें कारखाना बनता, ये काम बता, आप बताओ उन्होंने कौन सी योजना बनाई जिसमें कोई काम किया? आपने बताओ मुझे, 10 साल से सांसद है, 10 साल से भारत सरकार है, भारत सरकार का इन्वेस्टमेंट किया है भीलवाड़ा में, इन सिंगल एग्जाम्पल भीलवाड़ा में भारत सरकार का क्या इन्वेस्टमेंट है? ये जी जिम्मेदारी नहीं बनती है?